चलिए स्टूडेंट्स, आई एम अंकित दाने और चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम अपन ने थर्ड यूनिट का जो है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की थर्ड यूनिट जो है उसमें यहाँ तक हमने आधे घंटे का लेक्चर बनाया था मैंने, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड पर आकर अपन रुक गए थे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने उसे रोक दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं और आई होप कि आप सब अपने घरों में होंगे, ज़्यादा बाहर नहीं जा रहे होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए थे, ठीक है, कॉलेज में ही हमने कर लिए थे क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और रैकिंग बॉन्ड आपको करना है, इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो ये सारे आपको मैं बता चुका था ऑलरेडी। उसके बाद जो है जैसे स्ट्रेचर बॉन्ड मैंने बताया आपको पहला, स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है, ये स्ट्रेचर बॉन्ड। स्ट्रेचर बॉन्ड में क्या होता है, ब्रिक का जो स्ट्रेचर फेस है, ये आप देख रहे होंगे वाला डायग्राम एलिवेशन, ब्रिक का जो स्ट्रेचर फेस है वो एलिवेशन पे आता है, फ्रंट पे दिखता है, ठीक है। तो ये एलिवेशन में जो है स्ट्रेचर लंबा वाला फेस जो ब्रिक का है वो दिख रहा है, ये हेडर होता है इधर वाला, ये वाला फेस जो होता है वो हेडर होता है और ये वाला फेस जो है वो स्ट्रेचर होता है, ठीक है। तो स्ट्रेचर जो है वो एलिवेशन पे होता है। इसका अपने स्ट्रेचर बॉन्ड का प्लान भी आपको दिख रहा है सेंटर में, और ये प्लान स्ट्रेचर बॉन्ड दो तरह से स्ट्रेचर बॉन्ड के कॉर्नर्स जो है वो उनने प्रोवाइड किए, देख के आपको समझ में आ गया, आपको बता चुका था मैं ऑलरेडी। ये हेडर बॉन्ड है, हेडर बॉन्ड जो है इसमें क्या होता है कि जो ब्रिक का जो हेडर फेस है, किसी ब्रिक का जो हेडर फेस है, ये वाला जो फेस है हेडर, इस फेस को एलिवेशन पे फ्रंट पे रखते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे एलिवेशन पे जो है ब्रिक का हेडर फेस दिख रहा है। तो अब मैंने एलिवेशन पे जो है हेडर फेस दिखाया है, तो ब्रिक को मुझे स्ट्रेचर फेस, ब्रिक के स्ट्रेचर फेस को मुझे डेप्थ में, डेप्थ वाइज डालना पड़ेगा। देखिए अब इसका यहाँ पर सेंटर में प्लान देख रहे होंगे, तो जो ब्रिक की जो लेंथ वाला पोर्शन है, जो लॉन्जिट्यूडनल पोर्शन है जिसकी लेंथ ज़्यादा है, जो स्ट्रेचर है वो ब्रिक की डेप्थ वाली, डेप्थ की डायरेक्शन में जो है वो लगाया है, ठीक है। इसका प्लान आपने देख लिया वो 2, 4, 6 कोर्स के लिए और ये 1, 3, 5 कोर्सेज के लिए यहाँ पर आपको ये वाला जो बता रहा हूँ ये यहाँ पर आपको उसका प्लान बताया है, ठीक है, बाकी आप समझ सकते हैं, बता चुका था मैं। इसके बाद इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड जो है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है, एग्ज़ाम में आने के सबसे वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लेते हैं इसको, वैसे पढ़ा चुका था ये भी मैं। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर्स आर लेड, इट इज़ नेसेसरी टू प्लेस क्वीन क्लोजर इन द हैंडलिंग कोर्स फॉर ब्रेकिंग द जॉइंट्स वर्टिकली। द डिफरेंट इंग्लिश बॉन्ड्स आर, इंग्लिश बॉन्ड के भी टाइप होते हैं, तो पहले बता दो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। इंग्लिश बॉन्ड वो होता है जिसमें अल्टरनेटिवली जो है हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर प्रोवाइड करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स में, ठीक है। कोर्स मैंने बताया था क्या होता है, जैसे पहला कोर्स ये वाली ब्रिक की जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, दूसरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो दूसरा कोर्स, सेकंड कोर्स है ये, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इस ब्रिक में नंबर ऑफ कोर्सेस हैं। अब पहले कोर्स में मैंने केवल हेडर हेडर ही दिया है, देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट वाले कोर्स में आपको केवल हेडर फेस ही दिख रहा है ब्रिक का। सेकंड वाले में आप देखोगे, जब सेकंड वाले ऊपर से मैं देखूंगा तो इसमें मुझे स्ट्रेचर, स्ट्रेचर जो है ब्रिक का स्ट्रेचर फेस दिख रहा है, स्ट्रेचर कोर्स दिख रहा है। तो इस तरह से हेडर स्ट्रेचर का अल्टरनेट हम कोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश बॉन्ड है, इसका मैं प्लान बताया गया है, दो अलग अलग तरीके से प्लान है, 2, 4, 6 कोर्सेज प्रोवाइड करें, 1, 2, 3 में प्रोवाइड कोर्सेज प्रोवाइड करें, उसके हिसाब से देख लेना इससे, ठीक है। तो इसके बाद आपको इसके टाइप्स बताए हैं कि अगर ब्रिक की वॉल थिकनेस जो है 1.5 ब्रिक रहे, जैसे ये वाली थिकनेस जो है वो 1.5 ब्रिक है इसकी थिकनेस, एक ब्रिक और आधी ब्रिक 1.5 ऐसा लिखते हैं इसे, 1.5 ब्रिक, ठीक है। तो इस थिकनेस के हिसाब से भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ये 2 ब्रिक देखिए इसकी थिकनेस जो वॉल की है वो कितनी है, वॉल की थिकनेस 2 ब्रिक के स्ट्रेचर के बराबर है। यहाँ पर भी देखिए थिकनेस जो है 2 ब्रिक के, आपके 2 ब्रिक के थिकनेस, स्ट्रेचर के थिकनेस के बराबर है। तो इस तरह से आप डबल 2 ब्रिक वॉल इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पर
टू एंड हाफ ब्रिक, मतलब ढाई ब्रिक जितनी थिकनेस है आपकी वॉल की, उसमें किस तरह हम इंग्लिश बम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको केवल मेनली तो फर्स्ट वाला डायग्राम ही याद रखना है, ये वाला, ठीक है, जिसकी थिकनेस है वन ब्रिक थिकनेस, वन ब्रिक वॉल इंग्लिश बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ प्रोवाइडेड किया हुआ है मैंने, आप उसमें देख लेना। इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं, डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, फ्लेमिश बॉन्ड इसके बाद में पढ़ना है। इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंस पूछ के कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसे प्रायोरिटी से करना। तो फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है पहले वो बताता हूँ, डबल फ्लेमिश बॉन्ड से पहले। तो फ्लेमिश बॉन्ड जो है, इन दिस टाइप अल्टरनेटिव हेड्स एंड स्ट्रेचर आर लेड इन ईच कोर्स, द फेसिंग एंड बेकिंग आर ऑफ द सेम अपीयरेंस, ब्रिक बेड्स एंड क्वीन क्लोजर आर यूज, द डबल फ्लेमिश बॉन्ड इज एज शोन इन फिगर। देखिए यहाँ पर डबल फ्लेमिश बॉन्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये रहा, तो कुछ नहीं है इसमें, क्या है, इंग्लिश बॉन्ड में जो था अल्टरनेटिव कोर्स होते थे, पहला फर्स्ट कोर्स जो था वो स्ट्रेचर, सेकंड हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, इंग्लिश बॉन्ड में होता था। पर फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि किसी एक कोर्स में ही अल्टरनेटिव स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, फिर नीचे भी सेम स्ट्रेचर हेडर, मतलब जो है किसी एक कोर्स में ही हम अल्टरनेटिव स्ट्रेचर हेडर प्रोवाइड कर देते हैं फ्लेमिश बॉन्ड में। पर इंग्लिश बॉन्ड में क्या था कि पर्टिकुलर एक कोर्स जो है पूरा स्ट्रेचर का, फिर सेकंड जो है वो पूरा हेडर का, थर्ड जो है पूरा स्ट्रेचर का, इस तरह से था इंग्लिश में। पर फ्लेमिश में क्या है कि हर कोर्स में ही हम अल्टरनेटिव हेडर स्ट्रेचर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन हेडर स्ट्रेचर को कैसा रखा जाता है, ऐसा रखा जाता है कि इनके जो है वर्टिकल जॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले ना करें सेम कोर्स के। जैसे देखिए पहला कोर्स ये रहा, दिस इज़ फर्स्ट कोर्स, दिस इज़ सेकंड एंड दिस इज़ थर्ड। ठीक है, एक काम करते हैं, कलर चेंज करके देख लेते हैं, ये फर्स्ट वाला है आपका, एक मिनट, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसकी थिकनेस अब कम है, देखते हैं, ये पहला वाला कोर्स है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड और ये वाला जो है थर्ड है, आप सबको दिख ही रहा होगा वैसे, ये तीन कोर्स में ले लिया, हरा वाला फर्स्ट है, रेड वाला सेकंड एंड ब्लू वाला थर्ड है। अब इन तीन कोर्स में देखिए, पहला वाला कोर्स की जो मैंने लाइन देखी है ना, वर्टिकल जॉइंट है, ये वर्टिकल जॉइंट जो है वो अल्टरनेटिवली सेम पोजिशन पर है। पहले वाले में जो है वो तीसरे वाले में भी उसकी वर्टिकल पोजीशन सेम है, फिफ्थ वाला भी वर्टिकल पोजीशन सेम है, सेवन्थ वाले का वर्टिकल पोजीशन सेम, मतलब सारे जो वर्टिकल जॉइंट्स है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए अल्टरनेटिव। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले का यहाँ है तो दूसरे का इस तरफ, तीसरे का इस तरफ आ जाए, पांचवे का इस तरफ आ जाए, सातवें का इस तरफ, ऐसा नहीं है। तो अल्टरनेटिव जो जॉइंट्स है वर्टिकल जॉइंट्स वो सेम प्लेस पे होना चाहिए वर्टिकली। ठीक है, तो इस तरह से फ्लेमिश बॉन्ड आपको दिख गया होगा। इसमें जो है अलग अलग एग्जांपल है, जैसे टू ब्रिक थिकनेस का आपको बताया है, इसकी थिकनेस जो दो ब्रिक के बराबर है, वन ब्रिक थिकनेस है। ठीक है, तो एक डायग्राम ही काफ़ी आपके लिए, ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड था। अब इसमें डिफरेंस आप कर लेना। ठीक है, अब ये आप फ्लेमिश बॉन्ड में आपको बाकी पढ़ा चुका था सारा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा गार्डन वॉल बॉन्ड, ठीक है, गार्डन वॉल बॉन्ड क्या होता है, जो बॉन्ड हम गार्डन की वॉल के लिए प्रोवाइड करते हैं। हमारे गार्डन में जो वॉल है उसकी हाइट जनरली कम होती है। ठीक है, हमारे गार्डन की जो वॉल्स होती हैं या फिर हमारे घर के बाहर जो बाउंड्री वॉल होती है उसकी हाइट जो है वो कम होती है, वो हाइट 10 फीट की नहीं होती। हमारे घरों में जो वॉल बनती है उसकी हाइट 10 से 12 फीट तक हम देते हैं, 10 to 12 feet। ठीक है, हमारे घरों की हाइट पर गार्डन वॉल में तो हमें जनरली 5 फीट तक काफ़ी होता है, 5 से 6 फीट मैक्सिमम हम देते हैं। ठीक है, तो ये गार्डन वॉल की हाइट कम होती है, तो उसके लिए हम जो वॉल गार्डनों में यूज़ होती है या बाउंड्री वॉल होती है उसका एक अलग, हमने अलग तरीके से उसका अरेंजमेंट यूज़ किया है, तो उसे हमने नाम दे दिया है गार्डन वॉल बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज एम्प्लॉयड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्डन वॉल्स, कंपाउंडिंग वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स। ठीक है, गार्डन वॉल, कंपाउंडिंग वॉल और बाउंड्री वॉल में हम इस टाइप के बॉन्ड देते हैं। दिस वॉल बॉन्ड कैन बी बोथ इंग्लिश एंड फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, यह बॉन्ड जो है दोनों हो सकता है, मतलब क्या है, गार्डन वॉल हम प्रोवाइड करते हैं, दोनों बॉन्ड इसमें दिख सकते हैं, इंग्लिश फ्लेमिश दोनों। पहले तो देखो, गार्डन वॉल में हम किसी भी तरह का
बॉन्ड प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेचर बॉन्ड हो सकता है वो, ठीक है, वो हेडर बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, वो इंग्लिश बॉन्ड हो सकता है, या वो फ्लेमिश बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, और या फिर इंग्लिश फ्लेमिश दोनों हो सकता है, ठीक है। ये सारे में से कोई सा ही बॉन्ड हम दे सकते हैं। बस उनकी वॉल की हाइट जो होती है वो 5 से 6 फीट होती है, ठीक है। तो जिसे यहाँ पर स्ट्रेचर बॉन्ड प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ दिख रहा है आपको स्ट्रेचर फेस दिख रहा है आपको इसका वॉल का पूरा, ठीक है, फ्रंट में सारे स्ट्रेचर लगे हुए हैं हर कोर्सेस में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्लेमिश बॉन्ड है, क्योंकि अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर प्रोवाइड किया अल्टरनेट हर कोर्सेस में, तो ये फ्लेमिश बॉन्ड है, ठीक है। तो वॉल में हम किसी भी तरह का गार्डन वॉल बॉन्ड में हम किसी भी तरह का बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। जनरली हम सबसे अच्छा बॉन्ड कौन सा होता है, फ्लेमिश इंग्लिश दोनों कंबाइन रहते हैं, ठीक है, फ्लेमिश और इंग्लिश दोनों। वो कैसे, फ्रंट पे यहाँ पर मुझे दिख रहा है फ्लेमिश, और इस वॉल की कुछ थिकनेस होगी, इस थिकनेस के बाद फिर इस बैक साइड से दिखेगा वो आपको दिखेगा इंग्लिश बॉन्ड। यहाँ पर आपको फ्लेमिश दिख रहा है फ्रंट पे, बैक पे इंग्लिश दिखेगा, तो ये कंबाइन हो जाता है आपका फ्लेमिश एंड इंग्लिश बॉन्ड कंबाइन इस तरह से, ठीक है। अब फेसिंग बॉन्ड वगैरह डच बॉन्ड आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए रैकिंग बॉन्ड मैंने आपको बताया था, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड अल्टरनेटिव कोर्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन टू गेट मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन वॉल। द रैकिंग कोर्सेस आर लेड टू सर्टेन इंटरवल अलोंग द हाइट ऑफ वॉल इन वेरी थिक वॉल हैविंग नंबर ऑफ हेडर्स मोर देन द नंबर्स, ठीक है। देखते हैं इसमें अपन, इसका डायग्राम देखते हैं पहले, रैकिंग बॉन्ड का डायग्राम है कि नहीं, नहीं है ना, ठीक है। तो पहला पढ़ लेते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेचर बिटवीन द फेसिंग एंड बैकिंग, थस द रैकिंग कोर्स रेक्टिफाइड द डिफेक्ट ऑफ लो लॉन्जिट्यूडनल स्टिफनेस इन थिक वॉल। दिस इज टू टाइप्स, अ हेरिंग बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज डायगोनल बॉन्ड, ठीक है। दोनों बॉन्ड शो किए हैं नीचे। रैकिंग का मतलब कहीं ना कहीं होता है इंक्लाइन डायरेक्शन में होना, ठीक है। तो हम ब्रिक या फिर हमारी जो मेसनरी यूनिट्स हैं, ब्रिक्स या फिर स्टोन है, उनको हम इंक्लाइन वे में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके दो टाइप हैं, पहला हेरिंग, ठीक है, HERRING बॉन्ड, यहाँ पर हेरिंग बोन बॉन्ड, और सेकेंड वाला है ZIGZAG बॉन्ड, ठीक है। तो हेरिंग बोन बॉन्ड में आपको दिख रहा है किस तरह इनका इसका पैटर्न है, ब्रिक्स के स्ट्रेचर फेसेस को हमने इस तरह से अरेंज किया है, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा, आप समझ गए होंगे आप किस तरह अरेंज किया है। और सेकंड वाला जो है आपका, ये है ZIGZAG बॉन्ड, ये ZIGZAG बॉन्ड इस तरह से ZIGZAG में है, ठीक है। तो ये भी आप इसकी डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, जिससे कि इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वेरी मच सिमिलर टू हेरिंग वन बोन बॉन्ड। द ओनली डिफरेंस इज दैट ब्रिक आर लेड इन ZIGZAG वे एंड यूज फॉर पेविंग द ब्रिक फ्लोर एज शोन इन फिगर, ठीक है। ब्रिक फ्लोर में हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिक फ्लोर जो होता है, जैसे हमारा फ्लोर, आजकल फ्लोर जो है वो टाइल्स के होते हैं, टाइल्स लगती है फ्लोर्स पे। अगर ब्रिक फ्लोर है, ब्रिक का फ्लोर है केवल, तो ये समझ लो इस तरह हम जो है ZIGZAG बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। ब्रिक का फ्लोर आजकल देते नहीं है, पहले देते थे, एक समय की बात थी जब ब्रिक का फ्लोर हम प्रोवाइड करते थे। ये आजकल हम फ्लोर में टाइल्स या मार्बल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टाइल्स आती रेडीमेड 2x2 4x4 इसकी, पर अगर हम फ्लोर जो है ब्रिक का प्रोवाइड करें तो इस तरह का बॉन्ड जो है ज़्यादा प्रीफर करना अच्छा रहता है, ठीक है। इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद फिर आता है आपका, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। यहाँ पर जो है ये जो आया है बॉन्ड्स इन कॉलम, तो ठीक है। अब कॉलम अगर अपने ब्रिक के बनाते हैं, आजकल तो कॉलम सीधे जो है हमारे आजकल जो कॉलम्स बनते हैं वो RCC के ही बनते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉन्क्रीट होता है और इसमें जो है वो रीइन्फोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं, ये रीइन्फोर्समेंट सरिया जो रहता है, ठीक है। एक काम करते हैं इसे और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, मैं ये आपका कॉलम रहता है, आपने जनरली इस तरह कॉलम देखा होगा, इस कॉलम में हम इसे रीइन्फोर्समेंट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे 4 या 6 रीइन्फोर्समेंट, तो ये कॉलम होता है, ठीक है। ये कॉलम हम आजकल कॉलम कॉन्क्रीट के प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो आसानी से जो है प्लेस किया जा सकता है और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा देता है। अगर हम ब्रिक का कॉलम बनाएं, ठीक है, बॉन्ड्स इन कॉलम, अगर हम ब्रिक का कॉलम बनाए, जैसे यहाँ देख रहे हैं अभी ब्रिक का एक कॉलम बना हुआ है, ठीक है। कंप्रेशन लेता है कॉलम, जनरली यहाँ से लोड आता है कंप्रेशन लोड कॉलम पे। तो अगर हम ब्रिक का कॉलम बनाएं तो उसमें भी बॉन्ड्स प्रोवाइड करना पड़ेंगे, क्योंकि ब्रिक जो है उन्हें हम
किसी तरह कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें भी बॉन्ड्स यूज़ होते हैं, तो वो बॉन्ड्स आपको इसमें पढ़ने हैं। तो आप देख लीजिएगा अलग अलग बॉन्ड है, जैसे ये स्ट्रेचर फेस दिख रहा है पूरा, ये भी स्ट्रेचर फेस है, ये फ्लेमिश काइंड का दिख रहा है, तो ये आप सारे देख लीजिएगा, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा, एग्ज़ाम में वैसे आने के चांसेस नहीं है इसके, ठीक है। तो ये सारे आप देख लीजिएगा एक बार, उसके बाद हमारा आएगा बॉन्ड एट जंक्शन, ठीक है। तो फॉर टी जंक्शन और फॉर क्रॉस जंक्शन, तो जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर दो वॉल, दो अलग अलग डायरेक्शन वाली वॉल्स जो है वो मिल रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक वॉल थी और ये वाली एक वॉल थी, ये दोनों का कॉर्नर मिल रहा है, ठीक है। तो ये एल जॉइंट हो गया, ये अगर कॉर्नर इस तरह मिल रहा है, तो अगर कॉर्नर जो है वो इस तरह का है, ठीक है, ये कॉर्नर पॉइंट था, तो यहाँ पर जो है टी बन रहा है, टी वॉल्स का, मैं प्लान देख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से, तो ये टी जॉइंट बोलते हैं। अगर दो वॉल्स क्रॉस कर दे एक दूसरे को, इस तरह से क्रॉस कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस जंक्शन। ये वाला जो जंक्शन है वो क्रॉस जंक्शन है। तो मैं आपको तीनों जंक्शन समझ में आ गए होंगे कि जंक्शन कैसे हमने डिफाइन किए हैं, उनका जो शेप बनता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हिसाब से, उसके हिसाब से हमने इसे जंक्शन बोला गया अलग अलग। तो इस जंक्शंस पे कौन कौन से बॉन्ड्स प्रोवाइड करना अच्छा रहता है, या फिर इस स्ट्रेंथ किस जंक्शन की ज़्यादा रहती है, स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा रहती है, उसके हिसाब से दो जंक्शंस हैं। तो फॉर टी जंक्शन इंग्लिश और डबल फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ करते हैं हम, और फॉर क्रॉस जंक्शन जो है हम इंग्लिश बॉन्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा फिगर, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पूछा नहीं गया, ये भी नहीं पूछा है, इसलिए मैं इसे आपको समझा दिया है कि किस तरह है, बाकी डायग्राम देख लीजिएगा, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आता है हमारा कैविटी वॉल, ठीक है। तो कैविटी वॉल हमें पढ़ना है, कैविटी वॉल आपको मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर कैविटी वॉल पे बना दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप सभी ने वो जो मैंने लेक्चर पहले बना चुका था वो देख लिया है, नहीं देखा है तो आपके दोस्तों से पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको कि पढ़ा चुका हूँ मैं और कहाँ लिंक है वो सारी चीज़ें कैविटी वॉल की, ठीक है। तो कैविटी वॉल की डिस्क्रिप्शन है सारी, ये डायग्राम है उसका, ठीक है, ये इनर, ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, ठीक है, ये बीच में जो है कैविटी है, देख लीजिएगा इसे। तो इसके बाद हमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ मैं आपको सीधे, कि डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स किस में पढ़ना है हमें, डिफेक्ट हमें पढ़ना है टाइप ऑफ डिफेक्ट, ठीक है। तो जो डिफेक्ट्स हैं वो किस किस तरह से हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें फेलियर आ सकता है, या फिर समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं किसी कारण से, वेदरिंग के कारण से या अदर रीज़न के कारण से। तो अब डिफेक्ट जो है वो दो तरह के हैं, डिफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर में आ सकते हैं, ये समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे पहली जो है वो है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, और सेकंड है वो नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्या होता है, अपना मेन स्ट्रक्चर जो है उसमें डिफेक्ट आना, नॉन स्ट्रक्चरल मतलब जो है जो मेंबर जो लोड कैरी नहीं कर रहे हैं, सुपर इम्पोज लोड जो है या फिर लाइव लोड कैरी नहीं कर रहे हैं, वो नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के अंडर में आते हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मीन्स एनी डिफेक्ट, एक मिनट, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट मीन्स एनी डिफेक्ट इन अ स्ट्रक्चर एलिमेंट ऑफ अ बिल्डिंग दैट इज एट्रिब्यूटेबल ऑफ डिफेक्टिव डिजाइन, डिफेक्टिव और फॉल्टी वर्कशिप वर्कमैनशिप, ओके, और डिफेक्टिव मटेरियल एंड समटाइम्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे द्वारा कुछ गलती की गई हो, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट का किसी कारण से ही आएगा, वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है डिफेक्टिव डिज़ाइन, डिज़ाइन करते समय कुछ गड़बड़ कर दी हो, ठीक है, डिज़ाइन करने वाले ने, या फिर वर्कमैनशिप जो है, वर्कमैनशिप मतलब जो मजदूर वगैरह उस समय क्या रेशो मटेरियल का प्रोपोर्शन लेना था वो गलत ले लिया हो, उस कारण स्ट्रक्चर में डिफेक्ट बाद में जनरेट हो सकता है। डिफेक्टिव मटेरियल, मटेरियल गलत यूज़ किया हो हमने, जो जिस क्वालिटी का मटेरियल हमें यूज़ करना था वो ना किया हो, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। समटाइम्स इन सब में, इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है किसी का भी, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेशन थी इसकी। बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंक्लूड अर्थ रिटेनिंग वॉल, ठीक है, कॉलम्स, बीम्स, फ्लैट स्लैब,
ठीक है। तो ये सारे जो है इनमें ये सारे मेन मेंबर्स होते हैं, स्लैब, ठीक है, सॉरी स्लैब, फ्लैट स्लैब या स्लैब, बीम, कॉलम, ठीक है। ये मेंबर्स अगर फेल हुए तो बहुत नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मेन लोड जो है स्ट्रक्चर का ये मेंबर्स उठाते हैं। उसके अलावा रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग अर्थ रिटेनिंग वॉल जो है वो अर्थ मटेरियल को रोके रखने के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जहाँ जैसे मान लीजिए आप ब्रिज बनता है, तो ब्रिज यहाँ से ब्रिज बनना शुरू हुआ और ऊपर होते होते फिर यहाँ से ब्रिज जो है वो नीचे चले गया। मैं साइड व्यू देख रहा हूँ ब्रिज का, ठीक है। तो मान लीजिए बीच में रिवर जा रही थी, ये रिवर थी बीच में और यहाँ पर ये ब्रिज था, ये ब्रिज के पियर्स थे। तो पियर्स का आपने देखा होगा ब्रिज जहाँ से शुरू होता है या फिर जहाँ पर ख़त्म होता है, तो शुरू होता है अपन इसको लेके चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ब्रिज यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जहाँ से ब्रिज शुरू होता है उसके आसपास जो है दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड जो है वो हम वॉल्स बना देते हैं। थोड़ी शुरुआत जो करते हैं हम उन वॉल के सपोर्ट से ही वहाँ मटेरियल फिल करते हैं, फिर रोड बनता है शुरुआत में, फिर उसके बाद जो है पियर्स लगना चालू होते हैं। तो ये जो राइट साइड की लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो वॉल्स बनती है जो मटेरियल को सपोर्ट करती है वो होती है रिटेनिंग वॉल, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया रिटेनिंग वॉल क्या होती है, जो रिटेन करके रखती है आपके बिल्ड मटेरियल्स को या फिर सॉइल को, ठीक है, रिटेन करके रखती है, ठीक है। तो ये रिटेनिंग वॉल जो हम पढ़ रहे हैं वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। रिटेनिंग वॉल आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है रिव्यू ऑन पेपर कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट, तो ये छोड़िए आप, ये सारा चीज़ जो पेपर की रिसर्च पेपर के बारे में बताया गया है कि उसने कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट के बारे में जो है स्टडी किया था। तो देखिए स्ट्रक्चरल डिफेक्ट किस किस तरह से आ सकते हैं, तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कैन बी कैटेगराइज्ड एज क्रैक इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में क्रैक आना, ठीक है, फाउंडेशन में क्रैक आना आपका एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है। क्रैक इन फ्लोर स्लैब, ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर में क्रैक आना, क्रैक इन वॉल्स, दिस आर द स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, क्रैक इन कॉलम, क्रैक इन बीम या फिर डिफ्लेक्शन इन बीम, ठीक है, बीम में डिफ्लेक्शन आना, कॉलम में क्रैक आना, ठीक है, शेयर फेलियर कॉलम का, ये सारे डिफेक्ट्स हैं। मतलब कुल मिला के आपका जो स्ट्रक्चर है वो जो है फेलियर से गुजर रहा है, किसी तरह का उसमें फेलियर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो आपका फाउंडेशन में क्रैक आना, जितने भी मेन मेंबर्स हैं, ठीक है, फाउंडेशन होता है, कॉलम, बीम और स्लैब, ये चार मेंबर आपके जो है बिल्डिंग में इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं, चारों जो है वो लोड पेयर करते हैं, सुपर इम्पोज लोड। इनका फेलियर किसी भी तरह से हुआ तो हमारे स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट है, मतलब वो जो फेलियर होता है उसी को बोलते हैं डिफेक्ट स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं, क्या हो, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। अ नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इन अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग इज डिस्क्राइब एज द डिफेक्ट्स इन अ नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग सच एज रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव रेसिडेंशियल बिल्डिंग वर्क, ओके। नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट इंक्लूड्स डिफेक्ट ऑकर्स इन नॉन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग सर्विसेस लाइक इन ब्रिक वर्क, डैम्पनेस इन ओल्ड स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट इन प्लास्टर वर्क। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है उसमें जो है स्ट्रक्चरल पार्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्ट्रक्चरल पार्ट मतलब क्या, कि जो लोड बेयरिंग मेंबर है मेन, बिल्डिंग को गिरने का खतरा नहीं है, बिल्डिंग में को किसी भी तरह का उसमें जो है खतरा नहीं है कि गिर जाएगी या कोई पार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, लोकली फेल हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें आता है जिससे आपका डैम्पनेस यानी कि सीत या नमी, नमी आ रही है पानी की, ठीक है, या फिर प्लास्टरिंग जो है वो अच्छी नहीं है, डिफेक्ट इन प्लास्टर, प्लास्टर में क्रैक आ रहे हैं, ठीक है, प्लास्टर जो निकल रहा है। तो ये आपके नॉन स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं, समझ गए होंगे आपकी किस तरह से, ठीक है। तो ये दो तरह के डिफेक्ट होते हैं बिल्डिंग में। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफेक्ट के ऊपर कि कॉमन डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन वॉल, जो कंस्ट्रक्शन वॉल है, मेसनरी वॉल है, उसमें जो डिफेक्ट क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, वो इस पीडीएफ में नहीं है, तो मैं आपको ऐसे ही डिक्टेट कर रहा हूँ। आपको मैं इसका सोर्स दे दूँगा कहाँ से पढ़ना है आपको, किस चीज़ के बारे में, कॉमन डिफेक्ट इन कंस्ट्रक्शन वॉल, कंस्ट्रक्शन वॉल में क्या कॉमन डिफेक्ट आते हैं, वो जैसे कि ये वॉल है इसमें क्या कॉमन डिफेक्ट आएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, ये पीडीएफ में नहीं है, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पर मैं इसमें एडिट नहीं था, इसमें नहीं डाल पाया। तो जो कॉमन डिफेक्ट्स इन कंस्ट्रक्शन वॉल है वो पहला है
ड्यू टू सल्फेट अटैक, ये आप एक आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो है सल्फेट, इसमें भी राइटिंग सही से नहीं आ पाएगी, अच्छे से नहीं लिखा पाएगा इसमें, फिर मैं कोशिश करता हूँ, सल्फेट अटैक, ठीक है। तो फर्स्ट जो है सल्फेट अटैक लिख लेना आप। सल्फेट अटैक क्या होता है? सल्फेट अटैक इज़ अ कॉमन डिफेक्ट, ठीक है, स्पेशली एट लोकल लोकेशन वेयर द ब्रिक वर्क इज आइदर एक्सपोज सच एज बाउंड्री वॉल्स, अनप्लास्टरिंग एक्सटर्नल वॉल्स, और वेयर ब्रिक वर्क इज लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर, ठीक है। तो सल्फेट अटैक आपको पता है कि जो क्या होता है कि हमारा सल्फेट, एक बार पढ़ लेते हैं पूरे, मेरे पास का PDF फॉर्म में है, मतलब हार्ड कॉपी में है। द सल्फेट सॉल्ट्स प्रेजेंट इन ब्रिक रिएक्ट विथ हाइड्रोलिक लाइम इन केस ऑफ लाइम मोटर विथ एलुमिना ऑफ सीमेंट इन केस ऑफ सीमेंट मोटर ड्यू टू द रिएक्शन द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मोटर टेक्स प्लेस रिजल्टिंग इन चिपिंग एंड स्पेलिंग ऑफ ब्रिक्स क्रैक आर फॉर्म्ड इन जॉइंट एंड रेंडरिंग, ठीक है। तो क्या है इसका मैं आपको समझा देता हूँ कि जो सल्फेट अटैक है वो क्या होता है। कुछ नहीं है, हमारा जो मैसनरी वॉल हमने बनाई तो इस तरह से बनाते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने बना दी। अब क्या है कि जो ब्रिक है हमारी ब्रिक, तो ब्रिक में जो है सल्फेट के साल्ट प्रेजेंट होते हैं, सल्फेट होता है ब्रिक में, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो और हमारा जो यहाँ पे हम मोटर लगाएंगे, लाइम मोटर अगर हम यूज़ करते हैं ब्रिक में, ठीक है, यहाँ पर लाइम मोटर यूज़ करते हैं, तो लाइम मोटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है हमारा हाइड्रोलिक लाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाइम मोटर में हाइड्रोलिक लाइम प्रेजेंट होता है। तो ये जो है यहाँ का जो लाइम मोटर है वो और हमारे ब्रिक के अंदर प्रेजेंट जो सॉल्ट है वो दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करेंगे तो, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि इनकी रिएक्शन होगी और इससे वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा मोटर का, ठीक है, इस मोटर का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, इससे क्या होगा ब्रिक, इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो इसमें ब्रिक में क्रेक आ सकते हैं, ठीक है, या इसी में क्रेक आ सकते हैं मोटर में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सल्फेट अटैक मतलब क्या है, जो हमारी हमारी जो ब्रिक है, ठीक है, ये जो ब्रिक है इसमें सल्फेट है, इस सल्फेट का अटैक हमारे जो है मोटर पे हो जाता है, इस मोटर पे, तो ये मोटर जो है वो स्वेलिंग, उसमें जो है क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इस वॉल्यूम का बढ़ने के कारण जो है क्रैक आ जाते हैं ब्रिक में, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्ट्रेस जनरेट होंगी, उस स्ट्रेस जनरेशन के कारण हमारी ब्रिक जो है वो क्रैक हो सकती है किसी भी डायरेक्शन से, तो इसको हम बोलते हैं सल्फेट अटैक। पहला ये आपका हो गया। दूसरा ड्यू टू ड्राइंग। सेकेंड डिफेक्ट है वो है आपका ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज, ठीक है, ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज लिख लीजिएगा ये, ठीक है, ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज। तो ड्राइंग श्रिंकेज क्या होता है, कुछ नहीं, आपकी जो ब्रिक है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम फिर से बना देता हूँ ब्रिक का ही, कुछ नहीं है, ब्रिक जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करती है तो जो है फुलती है, स्वेलिंग होता है ब्रिक में जब मॉइस्चर इसको मिलता है तो, ठीक है, ब्रिक को अगर मॉइस्चर मिलता है तो ब्रिक स्वेल फुलती है, और अगर मॉइस्चर जो है इवोपरेट होता है तो ब्रिक श्रिंक होती है। तो वही बात है बस कि इसका नाम लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट का, ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज, ये मैंने PDF में प्रोवाइड नहीं किया है इसलिए लिख लीजिए, ड्यू टू ड्राइंग श्रिंकेज। अब ब्रिक जो है पहले पानी एब्जॉर्ब करेगी, वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो स्वेलिंग होती है, फुलती है, फिर पानी इवोपरेट होता है, वाटर इवोपरेट होता है तो श्रिंक करती है, तो इस कारण जो है श्रिंकेज और स्वेलिंग की यह प्रोसेस के कारण इसके जॉइंट्स पर क्रेक आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है हमारा जो मोटर है वो भी रिजिड मटेरियल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्रैक जनरेट हो जाते हैं इसके कॉर्नर्स पे, इस कॉर्नर्स पे, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसे बोलते हैं ड्यू टू, ये डिफेक्ट है ड्यू टू ड्राइंग एंड श्रिंकेज ऑफ ब्रिक, है ना, ब्रिक ड्राई श्रिंक होती है इस कारण, दो डिफेक्ट हो गए हैं। थर्ड लिख लीजिए, ड्यू टू कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सचर्स, ठीक है,
ड्यू टू कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सचर मतलब क्या है, जिसे इसकी मैं पढ़ देता हूँ एक बार क्या है। यहाँ पर आपके पास थर्ड ऑप्शन मैंने लिखा है आपको, ड्यू टू कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सचर्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फिक्सचर की स्पेलिंग, आप गड़बड़ ना करें, FIXTURES फिक्सचर्स। तो एम्बेडेड फिक्सचर मतलब क्या है देखते हैं। आयरन और स्टील फिक्सचर्स सच एज पाइप्स और होल्ड फास्ट ऑफ डोर विंडोज ETC एम्बेडेड इन ब्रिक मैजनरी गेट्स कोरोडेड विथ टाइम, स्पेशली वेन लाइम मोर्टार इज यूज। द कोरोजन रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम रिजल्टिंग इन क्रैक्स इन ब्रिक मैजनरी। तो देयर फोर दिस फिक्सचर्स शुड बी वेल एम्बेडेड इन सीमेंट मोर्टार। कुछ नहीं है जो हमारे फास्टनर्स लगते हैं, ठीक है। जो फिक्सचर्स मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारे जो वॉल होती है, जो मान लीजिए फ्रंट है मेरे घर का, अपने घर किसी के घर का, यहाँ पर जिस पोजीशन पे जो डोर लगता है, तो डोर के साथ में यहाँ पर फिक्सचर्स जो चौखट होती है, ठीक है, जो फ्रेम होती है उसको कनेक्ट करने के लिए वॉल से हम फिक्सचर्स लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बाकी वॉल बनी हुई होती है सब दूर, मेजनरी वॉल, ठीक है। तो ये जो फिक्सचर्स हैं, ये फिक्सचर्स जो हैं उनमें कोरोजन होता है बाद में, तो वो स्वेल होते हैं, थोड़े फूलते हैं, उस कारण इस हमारे जो वॉल है उसमें क्रेक आ सकता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, इसी डिफेक्ट को बोलते हैं, ये डिफेक्ट जो जनरेट होता है वो होता है ड्यू टू कोरोजन ऑफ एम्बेडेड फिक्सचर्स, ठीक है। एम्बेडेड का मतलब होता है कि अंदर वो पूरे टाइट घुसे हुए हैं, ठीक है, वॉल के अंदर ही माउंट है पूरे। तो ये फिक्सचर्स हैं, ये वॉल के ऐसे अटैच होते हैं और इनमें जंग लगता है कोरोजन के कारण, ये फूलते हैं और जो इससे कनेक्टेड वॉल है उसको भी क्रैक कर देते हैं जगह जगह, ठीक है। तो ये थर्ड है। तो ये आपको तीन रीज़न बताए हैं, तीनों काफ़ी है वैसे करने के लिए। एक और डिफेक्ट है वॉल में, चौथा वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इस PDF में नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लो बिल्कुल, है ना। चौथा वाला डिफेक्ट है वो है ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्रिक्स, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्रिक, फोर्थ वन इज ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिक्स, लिख लिया, ठीक है। अब इसका एक बार पढ़ देता हूँ मैं क्या है। इफ़ द ब्रिक्स आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम अर्थ कंटेनिंग एक्सेसिव सोल्यूबल सॉल्ट एंटरिंग ऑफ मॉइस्चर आइदर ड्यू टू डैम्पनेस और ड्यू टू रेन्स ETC डिजॉल्व द सोल्यूबल सॉल्ट। दिस सॉल्ट्स आफ्टर गेटिंग डिजॉल्व इन वाटर अपीयर इन द फॉर्म ऑफ फाइन वाइटिश क्रिस्टल, ठीक है, ऑन द एक्सपोज्ड ब्रिक सरफेस। दिस इज नोन एज एफ्लोरेंस। इन दिस इफेक्ट द सरफेस ऑफ ब्रिक वर्क गेट्स डिफ्यूजर्स, ठीक है, डिसफिगर्ड, ठीक है, एंड प्रेजेंट एंड अगली लुक। द सिचुएशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय ब्रशिंग एंड वॉशिंग द अफेक्टेड सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये इफेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फोर्थ वाला, ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है बताया जाए, तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मेरी वॉल है तो ब्रिक की प्रॉपर्टी होती है कि ब्रिक में जो है वो सॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट जो है, ये इसमें जो है, अगर ब्रिक में जो सॉल्ट होते हैं, अगर ब्रिक ड्राई है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्रिक को हम पानी में डाल देंगे, एक बाल्टी में मैंने एक ब्रिक को डाल दिया मान लो, ठीक है, ये बाल्टी में के अंदर मैंने एक ब्रिक को डाल दिया, तो इसके अंदर के जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्ट जो है वो पानी में डिजोल्व होके इस बाल्टी के नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इस प्रॉपर्टी, इस डिफेक्ट को बोलते हैं एफ्लोरेंस ऑफ ब्रिक, ठीक है। इसका टेस्ट भी आपने क्या होगा, एफ्लोरेंस, जो हमारे ब्रिक में जो सॉल्ट्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व होके नीचे बैठ जाते हैं। तो यह ब्रिक जो वॉल बनाएंगे हम ब्रिक की, उसमें भी ये डिफेक्ट जनरेट हो सकता है बिल्कुल। अगर मान लीजिए एक वॉल बनी हुई है, सूखी वॉल थी, पानी आया, इसमें जो भी डैम्पनेस आई, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा, तो ये जो सॉल्ट से वो पानी से रिएक्शन करके बाहर निकल के जो है इसमें होल्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, पोर्स हमारी जो वॉल है उसमें, ठीक है। तो इसलिए
ये भी एक डिफेक्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारे वॉल जो है वो उसमें डिफेक्ट जनरेट हो सकता है। इसे बोलते हैं ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्रिक, ठीक है। ब्रिक में पानी लगेगा तो इसके सॉल्ट्स बाहर आ जाएंगे, जिससे इसमें पोर्स जनरेट हो जाएंगे, इसमें खाली जगह रह जाएगी ब्रिक में, कुछ कुछ होल रह जाएंगे। तो ये जो डिफेक्ट है उसे बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ब्रिक्स, ठीक है। चौथा वाला डिफेक्ट था मेजनरी वॉल में। ये चारों जो मैंने बताए हैं आपको डिफेक्ट्स मेजनरी वॉल में, वो अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आएगा एक क्वेश्चन इसका। और अगर अभी भी आपने ध्यान से सुना नहीं हो तो इसको रिवाइंड करके वीडियो को देख लो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें मैंने अभी आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है, ठीक है, यहाँ तक कर दिया है अपन ने। इसके बाद जो लेक्चर, ये लेक्चर आधे घंटे से ऊपर हो गया है, तो मैंने इसको रोक देता हूँ। अब आगे का लेक्चर मैं आपको बताऊँगा, इसमें हमारी थर्ड यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक है। आई होप कि आप ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, और देख नहीं देख रहे हो तो आप सभी से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ देखो, बहुत मेहनत से वीडियो लेक्चर बनाया है मैंने, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसमें अब वेटिंग, हमारा जो है प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग रह गया है, ठीक है। मैं सिलेबस पर आ जाता हूँ, सिलेबस में हम देख लेते हैं क्या रह गया है हमारा। सिलेबस इसमें हमारा रह गया है अभी, हाँ, प्रीकास्ट स्टोन मेजनरी, होलो कंक्रीट मेजनरी, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, वाइट वॉशिंग, डिस्टेम्परिंग, डैम्पनेस, इट्स प्रिवेंशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, होलो ब्रॉक मेजनरी, डोर, विंडोज, वेंटिलेटर, स्टेयर केस, सारी जो बेसिक चीज़ें फिर रह गई हैं। यहाँ तक हमारा करीब करीब हो चुका है, कहाँ तक ये हमारा हो चुका है, करीब करीब यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, तो मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, और आई होप कि सब वीडियो देख रहे होंगे, है ना, ठीक है। और जाने से पहले कहूँगा कि स्टे इन होम एंड बी सेफ़।